ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। एक तरफ इन दोनों सितारों की फाइटर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, तो वहीं इन दोनों का फिल्म में दिया गया किसिंग सीन मुसीबत बनता नजर आ रहा है। फाइटर में एक सीन है जिसमें एयरफोर्स यूनिफॉर्म में दीपिका और ऋतिक एक दूसरे को किस करते हुए नजर आते हैं। अब उनके इस किसिंग सीन पर बवाल हो गया है। असम में पोस्टेड इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर सौम्यदीप दास ने इस सीन पर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही फिल्म के स्टार कास्ट को लीगल नोटिस भी भेज दिया है। विंग कमांडर सौम्यदीप दास ने ये नोटिस ऋतिक रोशन और दीपिका के अलावा फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के खिलाफ भी जारी किया। फाइटर फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हुई थी। इसमें पहली बार ऋतिक और दीपिका एक साथ स्क्रीन पर दमदार केमिस्ट्री दिखाते नजर आए। किसी सीन को लेकर विंग कमांडर का कहना है कि ऋतिक और दीपिका ने एयरफोर्स यूनिफॉर्म का अपमान किया है। ये वर्दी सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि देश की रक्षा, समर्पण और अनुशासन की निशानी है। विंग कमांडर के इस बयान से साफ जाहिर है कि वो इस किसिंग सीन को लेकर कितना नाराज है। इसी वजह से उन्होंने इन दोनों लीड एक्टर्स को नोटिस भी भेजा है। इसके साथ ही विंग कमांडर ने कहा कि फिल्म में देश की सेवा करते हुए जवानों की कहानी दिखाई गई है, ऐसे में रोमांटिक एंगल जोड़ना गलत है। फिलहाल इस पर अभी तक फिल्म के स्टारकास्ट और मेकर्स की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। आपको बता दें कि फाइटर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 178.60 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 306.16 करोड़ का है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर।